27 तारीख की यहाँ होली है, लड्डू फेंकनी। जी महाराज। इतना लड्डू और गुलाल फेंकेगा यहीं से नीचे जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं हूं आपका हस्त सुशील सिंह। आज हम आ पहुंचे हैं बरसाना करने लाडली जी के दर्शन। तारीख की यहाँ होली है, लड्डू फेंकनी। जी महाराज। इतना लड्डू और गुलाल फेंकेगा यहीं से नीचे जिसका कोई जवाब नहीं है। 28 तारीख को रंगीली गली, हमारी राधा रानी की जितनी भी सकुरी गली उन सब में लठमार होली होगा, जबरदस्त बढ़िया वाला। तो लठमार होली की शुरुआत बरसाना से ही होती है? बरसाना से ही है, उसके बाद हर जगह जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है महाराज जी की नंदगांव के लोग बरसाना आते हैं लठमार होली खेलने के लिए? जी, नंदगांव के लोग बरसाना आते हैं और बरसाना के लोग नंदगांव जाते हैं। शुरुआत कैसे हुई लठमार होली की? इसकी शुरुआत ऐसे हुआ, 8-8, 10-10 गोपियां एक एक कृष्ण में लौटी चलाएंगी। जी। और कृष्ण डाल लगेगा और डाल लगा करके सारी गोपी आनंद से, हमारी जो माता बहन है सबको घी खिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा जिससे ताकत रहे। जी। और भगवान कृष्ण की अनोखी रंग होली खेल करके आनंद लेंगे। बरसाना में 28 तारीख को है? 28 तारीख। और उसके बाद प्रिय नंदगांव में होती है? नंदगांव में होगी, फिर वृंदावन में चली जाएगी, इस तरह से ब्रजमंडल में सब जगह जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग होगी जो बरसाना से होगी। शुरुआत बरसाना से होगी होली की। तो बरसाना में भी कोई
इसका पॉइंट है स्पेसिफिक कि वहाँ से शुरू होती है या पूरे बरसाना में? बरसाना का पॉइंट है ये, राधा रानी का जो सीढ़ियों का निचला मंदिर है जी, उसके साथ ये सारी गली जो आप देख रहे हो ये उधर से जी, ये सब गली में जो है लठमार होगा। अच्छा, नीचे ये जितना अभी मंदिर के नीचे जो आपको गली दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है पुराने वाली जी, उसके सामने से गली जा रही है, उस गली में होते हुए सारे में होली होगा, बस स्टैंड तक होगा। तो होली के समय तो महाराज जी यहाँ बहुत भीड़ रहती है? होली के समय की भीड़ का एक कारण है कि यहाँ आप 5 किलोमीटर से पहले अंदर गाड़ी नहीं ला सकते, तो गाड़ियों का प्रवेश यहाँ से 5 किलोमीटर पहले 5 किलोमीटर पहले बंद कर दिया जाएगा। इधर गोवर्धन रोड पे, उधर छाता रोड पे, उधर नंदगाम रोड पे, उधर ऊंचा गाम रोड पे 4:30 बजे से 7 बजे तक होती है। सुबह 4:30 बजे से शाम को 4:30 से 7 बजे जी। पहले तो नदगैया आएंगे, आनंद लेंगे जी, राधा रानी का दर्शन करने आएंगे, मस्ती लेंगे जी, और नौता दे के जाएंगे कि भाई हम होली खेलने वाले आ रहे हैं। बड़ी बड़ी अनोखी लीलाएं करते हैं ब्रजवासी जी, आप तो उनकी गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। होली की गुलाल, होली की गाली बड़ी अनोखी होगी। तो यहाँ पे पहले लठमार होली होती है, उसके बाद में रंगों की होली खेली जाती है। रंग की होली होती है, रंगों की होली तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, उसी तरह अभी आपकी 8 मार्च को वो विश्व होली है, ये राधा रानी की और कृष्ण होली है जी। जैसे कहते हैं ना ब्रज होली खेल, यहाँ अनोखी कृपा से जाएगा, ऊपर से फूलों की वर्षा होगी, योगी जी आएंगे और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे जी, और उसका आनंद लेकर के तब लोग यहाँ से जाएंगे। तो एक बहुत ही प्यारा दृश्य होता होगा जिस समय ये सब दृश्य होता है, तो इसको प्रेम जनी जान सकता है, जिसने देखा है वो जान आनंद का वही बता सकता है। इतना धूम धक्का खाता है लोग केवल होली के लिए और राधा जन्म के लिए जी, जी। आदमी को रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन होली देखे बगैर नहीं रह सकता जी, जी। जो रंग बरस रहा है इस बरसाने में वो 3 लोक में नहीं है, इसलिए इस होली का आनंद फुल पर्व लेके जाते हैं लोग। हमारे साथ मौजूद है सर जगदीश गोस्वामी जी, हेमंत गोस्वामी, और ये है मेरे साथ हेमंत गोस्वामी जी। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इन दोनों लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हेमंत जी, आप हमें कुछ बताएंगे मंदिर के इतिहास के बारे में? ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है, श्री जी की सेवा लगभग 500 साल से चल रही है जी, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इस मंदिर को लगभग बने हुए 100 साल हो गए हैं, और यहाँ पर जो दर्शन है सखी वेश के दर्शन है। जब जब यहाँ कृष्ण भगवान आते थे, सखी वेश में आते थे, सखियाँ रोक देती थी कि महाराज जनाना महल है, मर्दाने वेश में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो जब जब कृष्ण भगवान आते थे, मनिहारे ने कभी तमूले ने कभी रंगरे जने अनेकों वेश में आते थे, बरसाने के वास की आस करे शिव से, जाकी महिमा को कहे जा कृष्ण धरे सखी वेश। तो जो यहाँ पर महत्वता है वो सखी वेश की महत्वता है। अच्छा, जैसे आपने बताया मंदिर 100 वर्ष पूर्व बनाया गया जी, लेकिन ये जो स्थान है ये तो काफी प्राचीन होगा। ये बहुत श्री जी की सेवा जो चल रही है 500 वर्ष से चल रही है। 500 वर्ष श्री जी का जो प्रागत्य किया है वो गोस्वामी नारायण भट्टी जी ने किया है। नारायण भट्टी जी के शिष्य रहे हैं नारायण दास जी, गोस्वामी नारायण दास जी, ठीक है। हम गोस्वामी नारायण दास जी के वंशज हैं, इनकी सेवा चलती आ रही है। आज हमें आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा है श्री जी, हमारी लाडली जी जो है, हम बड़े प्यार से अपनी राधा रानी को लाडली जी कहते हैं बहुत, और इनकी विशेष कृपा है गोस्वामी प्रभा पर और सभी लोगों पर। और श्री जी की महिमा का क्या वर्णन करने के, लोग देश विदेशों से दर्शन करने के लिए श्री जी के लिए आते हैं, और श्री जी के प्रसाद के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक श्री जी का प्रसाद मिल जाए तो समझो सब मिल गया। सर, हम भी यहाँ जी बहुत बार आए हैं, लेकिन आज हमें पहली बार यहाँ का प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहर को श्री जी की जो रसोई है वो फुलका खीर दाल कढ़ी चावल मिलता है, रात को पक्का भोजन मिलता है, पूड़ी कचौड़ी वगैरह भी बनता है। लेकिन आज दिन में तो बहुत ही भव्य भोजन था जो हमने बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। ये हर रोज ऐसा ही होता है और इस दरबार में कमी किसी भी चीज़ की नहीं है। अच्छा सर, ये जो जगह है ये तो लगभग 5,500 वर्ष पुरानी होगी जी? हाँ, ये है जरूर, लेकिन इतिहास तो हमारा बरसाना में जो है वो 500 साल पुराना है। नारायण भट्ट जी हमारे गुरु थे जी, और उनके शिष्य थे नारायण दास जी जी। नारायण दास जी की अवस्था लगभग 55-60 साल की होगी जी, तो श्री जी ने, राधा रानी ने उनको सपना दिया कि मैं फलानी जगह पर हूँ, मुझे वहाँ से निकालो और मेरी पूजा करो। तो उन्होंने कहा मैं तो श्री जी का अकेला हूँ। उनकी शादी हुई, उनके 3 बेटे हुए नारायण दास जी के, उन 3 परिवारों में से 3 भाई थे, एक एक साल की जो है ना गोस्वामी परिवार की सेवा आती रहती है। अब मेरे पास में जो सेवा है वो 1.5 महीने की आती है,
डेढ़ महीने की सेवा की हर 3 साल के बाद। परिवार इतना बड़ा गोस्वामी परिवार, जी जी, 3 भाइयों की संतानें चली आ रही है, वो सेवा करते आते हैं। तो भाई भाइयों कईयों में तो दो दो दिन की चार चार दिन की सेवा भी रह गई है। तो 3 साल में लगभग 45 डेज के लिए आपको जी हमारी सेवा आती है, और हर 3 साल के बाद में आती है। तो परिवार बहुत बड़ा है, तो बाकी चलता रहता है। बाकी 45 दिन के लिए परिवार के अन्य सदस्य सेवा करते रहते हैं। तो एक कोई परिपाटी बन रही है। अब मेरी सेवा जो है वो 3 मार्च तक चलेगी। 3 मार्च के बाद में दूसरा गोस्वामी परिवार सेवा करने आ गया। तो इसका मतलब जो ये लखमार होली होगी ये आप ही की सेवा के अंतर्गत हो जाएगी, हमारी सेवा में ही होगी। तो मैं ही यहीं पर पुजारी हूँ। सर ये इसकी शुरुआत जो लखमार होली की शुरुआत है वो यहीं से होगी क्या, इसी मंदिर से? हाँ, यहाँ लखमार होली जो है बरसाना से ही शुरू होगी जी, और कहीं नहीं होगी। नंदगांव के जो हुरियारे हैं, जो होली खेल गोस्वामी परिवार के जो पुरुष हैं सदस्य, वो बरसाना होली खेलने आते हैं, ढाल वगैरह लेकर के आते हैं सारे। और बरसाना गोस्वामी परिवार की जो पत्नियां हैं वो उन पर लाठी का प्रहार करती हैं, लाठी का प्रहार करेंगे। तो गोस्वामी जी ये समय क्या क्या रहता है इसका, ये कितने समय के लिए होली खेली जाती है लखमार? ये लगभग 1-1.5 घंटे के लिए खेली जाती है। शाम को जब नंदगांव के गोस्वामी आते हैं बरसाना जी, पीली पोखर पर प्रिया कुंड है जहाँ राधा रानी ने मेहंदी के हाथ धोए थे जी, वहाँ पर गोस्वामी के मिलने होगी। राधा की ससुराल है नंदगांव जी जी, भगवान कृष्ण नंदगांव में थे। तो नंदगांव से जो होली खेलने आएंगे सबके एक एक रुपए से मिलनी होगी, क्योंकि मिलनी होगी तब वो मंदिर मिलनी कौन करेगा। गोस्वामी परिवार का जो बुजुर्ग आदमी है।